मैं दोबारा से बोलूंगी, क्या यहाँ पर कोई है या फिर मुझे कुछ बताना चाहता हो या किसी प्रॉब्लम में हो कोई स्पिरिट, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकती है। ये चलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, शायद कोई ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे कोई। समझ ही गए होंगे कि मैं आज क्या करने वाली हूँ। इतने सारे कैंडल्स लेकर बैठी हुई हूँ, तो आज मैं फिर से भूतों को बुलाने वाली हूँ और आज मैं करूंगी द घोस्ट चैलेंज, मतलब भूतों का टेस्ट। तो आज मैं इसका टेस्ट लूंगी कि सच में घोस्ट आते हैं कि नहीं आते हैं। और ये द घोस्ट टेस्ट बहुत ही कम लोग कर पाते हैं और ये बहुत ही ज्यादा रिस्की होता है। ये वही लोग करते हैं जो भूतों को भेज पाते हैं और या फिर उनको बुला सकते हैं, लेकिन मैं भूतों को वापस तो नहीं भेज सकती हूँ, बट अगर वो आ गए तो मैं उनसे फ्रेंडशिप कर लूंगी। मजाक कर रही हूँ, मैं नहीं करूंगी, मुझे डर लगता है। तो आज मैं उनको बुलाऊंगी। तो ऐसा कहते हैं कि द घोस्ट चैलेंज वही लोग करते हैं जिनको अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं होता और उनको ये चीज टेस्ट करते कि सच में भूत आता है। और इसमें भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि पूरे घर में अंधेरा होना चाहिए, ओनली कैंडल की लाइट ही आपके पास होनी चाहिए और सारे रूम्स लॉक होने चाहिए, सारे विंडोज लॉक होनी चाहिए और मिडनाइट होनी चाहिए। लाइक 12 बजे के बाद भी हम इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैं आज 12 बजे के बाद ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा होता है इस टाइम, हर कोई सो रहा होता है। तो मैं अब करूँगी ये चैलेंज, तो प्लीज मेरा साथ देना, आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है, सब लोग मेरा साथ देना और वीडियो को एंड तक देखना और कहीं से भी स्किप मत करना, बिकॉज आज आपको सच में शायद भूत मिल सकता है और मुझे। तो चलो इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या घोस्ट हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे। अगर वो हमारे पास आते हैं तो क्या वो मेरे पास अटैक करेंगे? वैसे तो वो कहते हैं कि हमें कोई मैसेज देकर जाते हैं जो उनकी लाइफ में हो रखा होता है, और अगर कोई भी हमसे कोई भी स्पिरिट अगर कनेक्ट होती है, मुझे कुछ बताती है, या तो वो मुझे टच करके जाएगी, या तो मुझे कुछ फील होगा, या तो मेरे कान में कुछ फुसफुसा कर जाएगी और उस वर्ड को मुझे समझना होगा। तो ये हमें एकदम अकेले करना होता है, बंद कमरे में कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं हूँ और मेरा कैमरा है और यहाँ पे कोई भी नहीं है, सब हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है, बाहर खिड़की से हवा अच्छी आ रही है, बट मुझे तब भी गर्मी लग रही है। तो मैंने कैंडल जला ली, तो मैं सारी कैंडल जला लेती हूँ जल्दी से ताकि मैं इस चैलेंज को स्टार्ट कर सकूं। मैंने ज्यादा कैंडल ली है ताकि अगर एक बुझ गई तो दूसरी जल। तो देखो हैप्पी दिवाली। हाँ ये कर लो पहले। तो मैंने सारी की सारी कैंडल जला ली है और अब मैं बुलाऊंगी घोस्ट को। तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि मुझे भी हंसी आ रही है कहीं यहाँ पे सही में घोस्ट आके मुझे तो थप्पड़ लगा बोलेगा, ये तो मेरा मजाक कर रही है। तो चलो आज मैं अपने ही घर में टेस्ट करती हूँ क्या मेरे घर में कोई स्पिरिट है, जो हमारे आस पास तो है बट वो हमें दिखती नहीं है, वो हमें परेशान नहीं करती बट हमारे घर में प्रेजेंट है, और इसलिए भी इस घोस्ट चैलेंज को घोस्ट टेस्ट को किया जाता है, ये चेक करने के लिए कि हमारे घर में कोई स्पिरिट है या कोई ऐसी आत्मा जो भटक रही है और हमें वो मतलब परेशान नहीं करना चाहती है, बस वो एक कोने में रहना चाहती है। तो चलो आज मैं भी चेक कर लेती हूँ, मेरे से बड़ा तो भूत हो ही नहीं सकता इस घर में। तो चलो मैं अपनी आंखें बंद करूँगी और 2 मिनट्स तक मैं ध्यान लगाऊंगी और ऐसा कुछ मतलब मैं बोलूँगी, वर्ड्स यूज करूँगी या यहाँ पर कोई है या फिर अगर हो तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मेरे पास आओ, मैं कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ करूँगी। और जो ये कैंडल जल रही है क्योंकि पूरे घर में अंधेरा है तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकती है। तो अगर आपको भी कुछ कैमरे में कुछ दिखे या फिर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नज़र आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरी आँखें बंद रहेंगी तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपनी आंखें बंद कर ली और मैं ध्यान लगाऊंगी क्या यहाँ पर कोई है
क्या वो मुझे सुन पा रही है या सुन पा रहा है। अगर यहाँ पर कोई भी है तो वो मेरे से अपनी बातें शेयर कर सकता है, या उसे कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकता है। अभी तक तो कुछ भी नहीं नजर आ रहा है या फिर कोई भी मेरे पास नहीं आ रहा। मैं दोबारा से बोलूंगी, क्या यहाँ पर कोई है या फिर मुझे कुछ बताना चाहता हो या किसी प्रॉब्लम में हो कोई स्पिरिट, तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकती है। चलने की आवाज मुझे सुनाई दे रही है, शायद कोई ऊपर ऊपर वाले फ्लोर पे कोई। मैं ये दोबारा से बोलूंगी, अगर कोई प्रॉब्लम में है कोई स्पिरिट या कोई आत्मा तो वो मुझसे कनेक्ट हो सकती है, मैं उसकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चल रहा है और ऐसी आवाज आती है जो कान में मतलब बहुत वाली होती है, ऐसी कुछ आवाज आई है, बट ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। कोई मेरे कान में कुछ कह कर गया, मुझे किसी ने टच किया। बट कहते हैं कि जो भी इसको करता है उसको स्पिरिट्स कनेक्ट होते हैं, बट मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। ऐसी आवाजें आई कि हाँ कोई किसी के पैरों की आवाज जैसे चलने की होती है ना, कुछ मांस आ रहा, ऐसी आवाजें आई और ओके रुक गई। शायद ऊपर वाले फ्लोर पे कोई होगा मेरे ख्याल से। मैं दोबारा से करती हूँ, क्या पता वो आधे रास्ते तक पहुंच गए बाहर आ रही, तो चलो मैं दोबारा से। अगर यहाँ पर कोई भी आत्मा है और अगर वो मुझसे कुछ पूछना चाहती हो या किसी प्रॉब्लम में है तो वो मुझसे हेल्प ले सकती है, मैं उसकी सहायता करूंगी। कोई रिस्पॉन्स नहीं। शांति से और मैं मतलब आवाजें आ रही है, कुछ कुत्ते भौंक रहे हैं नीचे, तो इतनी रात हो रही है, ऊपर से बाहर हवाएं इतनी तेज चल रही है, तब भी मुझे पसीना, हवाएं चल रही है मतलब विंडो पे सर लग रही है बाबर हवाएं, और रात में डॉगी भौंक रहे हैं और फिर शांत हो जा रहे हैं। मैं अपनी आंखें जैसे ही बंद कर रही हूँ आई फील कि कोई आ रहा है मेरे पास और कानों में सर से हवा की आवाज शायद मेरे कानों में जा रही है, तो मुझे इतना ज्यादा डर लग रहा। मैंने मूवीज में भी और बहुत सारी वीडियोस में भी सुना है कि अगर डॉगी भौंकते हैं तो कहते हैं कि कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही होती है उस जगह पर, और एक तो मैं इस तरीके से बैठी हुई हूँ कि अगर भूत ना भी आए तो भी मेरे पास चले आएंगे उठ करके। मुझे सही में ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई तो है जो मुझसे कनेक्ट होना चाहता। मैंने दो बार आंखें बंद करी और मैंने कई बार पूछा कोई है कोई है, और अचानक से कुत्तों का भौंकना इस नॉर्मल, ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, और हवाएं भी तेज हो गई उसके बाद से ही, और मतलब हर कोई सो ही रहा है, मतलब मम्मी पापा और आदरी का ही है घर में तो वो लोग सो रहे हैं, बाकी मैंने रूम्स लॉक कर दिए हैं। और मैं हॉल में करी लगी, मुझे अगर डर लगेगा तो कोई डोर भी हो जो जिसमें मैं लॉक हो जाऊँ, यही रीज़न है कि मैं हॉल में कर रही हूँ। अगर मुझे जरा सा भी डर लगेगा मैं भाग के जाऊंगी फुल स्पीड में, तो लेकिन मैं वीडियो को एंड तक पूरा शूट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे साथ
पता शायद अमावस्या वाली रात जिन चांद नहीं निकलता, कहते ना कि 15 दिन बाद चांद निकलता है फिर वो गायब हो जाता है, तो आज अमावस्या की रात है जिसमें काला जादू और टोना टोटका भी किया जाता है और जिसको भूतों की रात भी बोला जाता है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को यहीं पे वीडियो एंड कर देनी चाहिए, क्योंकि मतलब मेरी विंडो बंद है और अपने आप ही मतलब हवा अंदर तक आ जा रही है और पर्दे भी थोड़े उड़ रहे हैं। मैं एक बार और करूँ, मेरा साथ देना। मैं एक बार और आंखें बंद कर रही हूँ और फिर से स्पिरिट को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, शायद इस बार हो जाए आप मुझे कुछ वो मैसेज देकर जाए। आत्मा, क्या यहाँ पर कोई आत्मा है जो मुझसे कुछ कहना चाहती हो तो मुझसे कह सकती है? क्या यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा है? मतलब आंखें बंद करने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मेरे मतलब आंखें बंद करने के बाद ऐसा लग रहा है कि पूरा डार्क है बट कोई लेडी है मेरे मतलब वो सामने आ रही है, वो लेडी है मतलब सफेद कपड़े पहन रखे हैं, या तो वो कोई लेडी है या तो मतलब कुछ है अजीब सा। मैं दोबारा से अपनी आंखें बंद करती हूँ और इस चीज को देखती हूँ दोबारा से। मतलब ऐसी ऐसी आवाजें आ रही है बाहर से, लाइक कोई चिल्ला रहा हो, कुत्ते भौंक रहे हैं, कोई चिल्ला रहा हो, और इतनी रात में ही ऐसी आवाजें आती है। माय गॉड, ये बहुत ही ज्यादा हॉरर हो रहा है मेरे साथ फर्स्ट टाइम, और ये पहली बार ऐसी रात है कि मैं अकेले मतलब अकेले शूट करती हूँ, बट फर्स्ट टाइम मुझे इतना डर लग रहा है कि मेरे पसीने छूट रहे हैं। मैं वापस से आंखें बंद करूंगी और उस औरत को देखने की कोशिश करूंगी जिसने सफेद साड़ी पहनी। क्या यहाँ पर कोई है? अगर यहाँ पर कोई भी है, कोई भी आत्मा है, तो मुझसे कनेक्ट हो सकती है। मतलब मेरे घर में कोई स्पिरिट है बट अब नहीं है, या फिर है वो मुझे ये मैसेज देना चाहती हो कि मैं पहले तुम्हारे घर में थी बट अब नहीं हूँ, या फिर वो है, आई डोंट नो। बट मैं इसको यहीं पे ओवर करती हूँ, इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, इतनी रात में कुत्ते भौंक रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ। मैं वीडियो को एंड करती हूँ, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए। ओके, बाय बाय, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं भी बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ।